झारखंड में सोमवार सुबह ईडी की छापेमारी के बाद एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नोटों की गड्डी का ऐसा ढेर, वो भी एक नौकर के घर से। जिस जहांगीर खान के घर से 35 करोड़ से ज्यादा नकदी मिली, वे झारखंड के मंत्री आलमगिरी आलम के निजी सचिव संजीव लाल का नौकर बताया जा रहा है। हालांकि बरामद किए गए नोट असल में किसके हैं और जहांगीर के घर तक कैसे पहुंचे, ईडी अब इसकी पड़ताल में जुट गई है। जहांगीर के घर में मिला पैसा ग्रामीण विकास विभाग में चल रहे घूस वाले खेल का एक हिस्सा है। बता दें, मूल रूप से चित्रा निवासी जहांगीर मंत्री आलमगिरी का करीबी बताया जाता है। जांच में संजय लाल ने पैसे को खुद का बताने से इनकार कर दिया। ईडी की टीम रांची के गाड़ीखाना इलाके में स्थित सैयद रेजिडेंसी पहुंची, जहां फ्लैट नंबर 1A में जहांगीर की आवाज पर छापा मारा गया। ईडी जब पहुंची तो वहां 3 कमरों में अलमीरिया बंद थी, जिसके बाद संजीव के यहां चाबियां लेकर पहुंची। वहीं जांच में 500 के नोट वाली कई गड्डियां और लाखों के जेवरात मिले। जानकारी की माने तो मंत्री आलमगिरी आलम के निजी सचिव संजीव लाल के यहां से करीब 10 लाख रुपए मिले। ईडी की दूसरी टीम ने संजीव लाल के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह के पीपी कंपाउंडर स्थित तेजस्वी अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी की। वहां से ईडी को 4 करोड़ से अधिक की नकदी मिली। बता दें, ईडी ने कुल 35 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जिसमें नौकर के घर से करीब 31 करोड़ रुपए मिले हैं। बता दें कि जहांगीर ने 6 महीने पहले गाड़ीखाना स्थित चौक स्थित सर सैयद रेजिडेंसी में प्रथम तले पर फ्लैट खरीदा था। बिल्डर ने जिस व्यक्ति को फ्लैट बेचा था, उससे जहांगीर ने 40 लाख का भुगतान कर फ्लैट खरीदा। जहांगीर ने ये रुपए फ्लैट मालिक को एक बार में ही अदा कर दिए। वो उस अपार्टमेंट में भी लोगों से फ्लैट खरीदने की तैयारी में था। वहीं ईडी की ओर से जब जहांगीर के फ्लैट से छापेमारी कर 32 करोड़ रुपए बरामद हुए, तो इसकी जानकारी आसपास के लोगों को जैसे ही मिली, वैसे हड़कंप मच गया। लोगों का कहना था कि जितनी देर वो फ्लैट में रहता था, गंजी और ट्राउजर में ही रहता था, किसी तरह का ठाट बाट नहीं दिखाता था। जहांगीर ने अपने फ्लैट को पूरी तरह से सेफ बनाया हुआ था। फ्लैट खरीदने के बाद उसने दरवाजे में लोहे का ग्रिल लगवाया था। वो कभी अपार्टमेंट में 4 पहिया वाहन से नहीं आता था, वो एक सफेद रंग की पुरानी स्कूटी से आया जाया करता था। उसी से वो अपार्टमेंट में आया जाया करता था। माना जा रहा है कि वो ऐसा इसलिए भी करता था ताकि उसके पास कितनी रकम है, इसका पता किसी को ना चल सके। अपार्टमेंट के लोगों से भी उसका संपर्क नहीं था। जब वो फ्लैट में आता था तो सामने अगर कोई दिख जाता था तो सलाम दुआ करके निकल जाता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।